टेम्पररी ग्लिच थी टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब वो मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल हो गए हैं। जी जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स होती हैं, इस किस्म की चीजें होती हैं। जस्ट रिफरिंग बैक टू द प्रीवियस, जैदी साहब ने जो बात की थी, एब्सोल्युटली देर इज इमेंस पोटेंशियल इन ऑल दिस। जी हम लोगों को बहुत सारा काम करना है और हर लेवल पे करना है। जी इस वक्त आई थिंक जो हमारे तकरीबन 1 लाख के करीब बच्चा यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, वी हैव टू डू अलॉट ऑफ ब्रिज कोर्सेज ताकि वो वर्क रेडी हो। और इसमें काफी काम हुआ भी है और बट बहुत सारे काम की जरूरत भी है। इसी तरह देर आर प्रोग्राम्स दैट आर नाउ बीइंग एनविजेज जहाँ पे इंटरवेंशन जो है वो हाई स्कूल लेवल पे हो। जी हमारे हाई स्कूल या लेवल पे पहला जो इंटरवेंशन की थी वो हम लोगों ने की थी जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाए राइट आउट ऑफ कॉलेज उसमें, या यंग प्रोफेशनल्स पे। अब जो इंटरवेंशन हो रही है वो इंटरवेंशन हो रही है 7th और 6th 7th और 8th सेमेस्टर के बच्चों पे जी ताकि वो वर्क रेडी और वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज करवा रही हैं, नॉट सो मच एज द यूनिवर्सिटीज। जहाँ पे जो इनका जिक्र किया उन्होंने कि हाउ टू एक्चुअली जब वो जॉब मार्केट में आते हैं तो जो स्किल एनहेंसमेंट होती है, नॉट जस्ट थ्रेटिकल नॉलेज बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज, वो भी उन्हें मिले। तीसरी इंटरवेंशन जो जरूरत है वो जरूरत है हाई स्कूल लेवल पे ताकि यूनिवर्सिटीज की इनपुट बेहतर हो, ताकि यूनिवर्सिटीज को फाइनली उतनी मेहनत ना करनी पड़े जितनी अभी की जा रही है। सो ये इंटरवेंशन हमें हाई स्कूल लेवल बल्कि इवन नीचे भी करनी पड़ेगी, मिडिल स्कूल लेवल पर भी करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको मालूम है वी आर अ पुअर कंट्री, यहाँ पे आपको टीचर्स ट्रेनिंग पे भी हाई स्कूल और मिड स्कूल पे बहुत काम करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज बिल्कुल वी एंड अप हैविंग अ सोशल डिफरेंसेस की जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पे तो शायद बच्चे कर पाए, पर जो हमारे पब्लिक स्कूल सिस्टम है उसमें बहुत मेहनत की जरूरत है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, टीचर्स बिल्कुल ट्रेनिंग के भी इश्यूज हैं।